बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूँ मैं और काफ़ी भावुक हूँ मैं ऑडियंस का रिएक्शन देख के। कल भी बॉम्बे में हमारी फिल्म का प्रीमियर था, लेकिन अपने शहर में आके अपने लोगों के बीच अपने लैंग्वेज में रिएक्शन देखकर मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। खासकर मेरे परफॉर्मेंस को जिस तरह से सराह रहे लोग, और प्लस मेरी फैमिली का जो रिएक्शन है, मेरे रिश्तेदार आए हुए थे, तो वो मेरे लिए रिवॉर्ड है। आई थिंक मैंने एक कदम आगे रख लिया है अब भोजपुरी इंडस्ट्री में। आप लोगों का प्यार बरकरार रहेगा तो हम लोग और अच्छा करेंगे काम। देशभक्ति फिल्म है, लेकिन इसमें जो है पूरे परिवार को दिखाया गया है कैसे गांव में लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। तो कैसी लगी कहानी आपको? देखिए, ये देशभक्ति पे बेस ज़रूर है, लेकिन वही लोग जानते हैं जिनके बेटे, जिनके पति एक देशभक्त है, जो सीमा पर खड़े होकर हमारी जान बचाते, हमारी सुरक्षा करते हैं। ये लोग वही जान पाएंगे कि अपने बेटे, अपने पति, अपने जो भी रिश्तेदार है, जो सोल्जर है, उनसे दूर रहना कितना मुश्किल होता है, कितना कठिन है। वही इस फिल्म से हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। रिश्तों पर भी बेस्ड है और स्पेशली देशभक्ति पर बेस्ड है, तो आई थिंक हम लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग तो आराम से चैन से जी रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कौन लड़ रहा है वो यही है। भोजपुरी में आपकी पहली फिल्म है और इसी फिल्म में पत्नी के साथ साथ प्रेमिका के प्रेमिका पत्नी, उसके बाद माँ बनने का भी रिस्क आपने उठाया जी, रिस्क उठाया। आपको अच्छा लगा ना? बिल्कुल। तो अब मैं हीरोइन आगे बन सकती हूँ ना? बिल्कुल। तो बस ठीक है, ही जाता है, ये होता है ना कि अंदर एक जुनून जो होता है कुछ कर दिखाने का, तो मेरे ख्याल से ये हिडन टैलेंट था। और आपको प्राउड फील हो रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा भोजपुरी में, मतलब हिंदी इंडस्ट्री से बिहारी वापस भोजपुरी में, बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ है मुझे। जैसे पहले जो थी ना, वो भोजपुरी को जिस नजरिए से देखा जाता था, इस मूवी को आप भी कहीं भी अब आप अगर शो करोगे तो प्राउड फील होगा, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आज देखी है उसका कोई जवाब नहीं है। आप कहिए बस इतना कि आपको कैसा लगा फिर से वापस इस तरीके की भोजपुरी फिल्म करने में? देखिए, मुझे जब मैं फिल्म कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं एक एक चीज़ें अपनी मम्मी पापा से शेयर करती हूँ, ये दोनों मेरी जिंदगी के पिलर्स हैं। तो मैं इनका रिएक्शन देखने के लिए स्पेशली पटना आई हूँ, क्योंकि ये मेरा शहर है। और मैं हमेशा से सोचती थी कि अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ करूँ, और जो कि मेरा ये सपना पूरा हुआ है। मुझे लगता है कि एक फिल्म काफ़ी है, अब मैं नहीं करूँगी, लेकिन मैं दूसरी मूवी भी खेसारी जी के साथ नहीं करना होगा आपको, हम हमारे जैसे फैंस के लिए करना होगा। और ऐसे माँ बाप मिलना बहुत मुश्किल है, जो सीरियसली मैं बता नहीं सकता हूँ। सीट में पापा के पास दौड़ के कोने में जा रही थी और उनका रिएक्शन देखती थी कि कैसा है, क्योंकि मैं किसी भी शो में नहीं देखा है मैंने, लेकिन इस भोजपुरी में ज़रूर देखा, क्योंकि ये मेरा ब्रांड है, मेरी लैंग्वेज है, और मुझे कुछ करना था अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, जो मैंने किया, एक शुरुआत की है, अब इसको और आगे लेके। और इतना प्योर, इसमें प्योरिटी जो था, आप अपने माँ बाप के साथ भी गर्व के साथ उसे देख रहे होंगे, माँ बाप को भी जो खुशी मिल रही होगी वो हम क्या बताएं, आपको खुद पता होगा। हम अंकल जी जाना चाहेंगे, आपने क्या